अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे लक स्टाइल जो आने वाले, आपको पता है हर साल लक स्टाइल अवार्ड्स होते हैं पाकिस्तान में, और इस बार भी 2023 के लक स्टाइल अवार्ड आने वाले हैं और उसके BTS आपके साथ शेयर करें। आप ये क्यूट सी झलक देखें BTS एक नई, हमें पता चली है कॉम्बिनेशन के, थोड़ा सा जी आपने लेना है गुलाब जामुन, उसके साथ मिक्स किस में करना है तैमूर साहब ने बताया, थोड़ा कस्टर्ड के अंदर जो है उसको मिक्स करना है, और फिर आप देखें क्या मुद्दे होते हैं। सर मैं बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, हल्का सा आया वैसे, बट ये आपको टेस्ट आपको बाद में आएगा। बराए मेहरबानी बच्चों की पहुंच से ये चीज़ें दूर रखें। इस बार लक स्टाइल अवार्ड की खास बात ये है कि इसमें यूट्यूबर मैसा जो हैं वो एक्टर बन गई हैं, वो भी शामिल होंगी। दफ़ा की तरह आपको पता है कि लक स्टाइल अवार्ड जब आता है तो जो सेलिब्रिटी हैं वो भूल जाते हैं हम पाकिस्तानी हैं, हम मुस्लिम हैं, और वो इस तरह के लिबास पहनती हैं। और मैसा खान ने बहुत अच्छा ड्रेसिंग की है, बहुत अच्छी लग रही हैं। और ये जो सहीफा जब्बार हैं जो कि कह रही थी कि माई थी ड्रामा देख के मुझे शर्म आती है, उनकी आप ड्रेसिंग चेक करें लक स्टाइल अवार्ड में, और इनकी पहले भी ऐसी ही होती है जो कह रही हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ, हम फैमिली के साथ मायरी ड्रामा नहीं देख सकते क्योंकि एनी प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन ये आप सब कुछ देख सकते हैं बच्चों के साथ, वो तो एक ज़िंदगी की हकीकत है, प्रेगनेंसी बेबी सब कुछ, वो नहीं आप अपने बच्चों को दिखाना चाहते, लेकिन ये दिखाना चाहते हैं कि आप आदमियों के साथ जैसे मर्ज़ी ड्रेस पहने, जैसे मर्ज़ी स्क्रीन पर आएँ, ये सब कुछ ठीक है। ये बात वैसे सहीफा जब्बार पे जचती नहीं है जो उन्होंने की थी, और ये आप देख ही सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।